हम जो श्रीमद् भागवतम के अध्ययन करते हैं, भगवत कथा सुनते हैं, भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, विथ रैप्ड अटेंशन के साथ हमें सुनना चाहिए। बहुत ध्यान पूर्वक हमें उन सारी कथाओं को श्रवण करना चाहिए, उन सारी लीलाओं की श्रवण करना चाहिए। बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना पड़ता है हम सबको। श्रवण का मतलब क्या होता है, श्रवण का असली मतलब क्या है? जब हम भगवत कथा सुनते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में श्रवण करते हैं, भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, तो श्रवण करने के बाद हमारे मन में चिंतन मनन भी होना चाहिए। उन सारी श्रवण के बाद, उन सारी सुनने के बाद हमारे मन में, दिमाग में उसके बारे में चिंतन मनन भी होना चाहिए, सोचना चाहिए, उसको मनन करना चाहिए। श्रवण के बाद मनन चिंतन बहुत ज्यादा आवश्यक है, जरूरी है। मेडिटेट करना, उनके बारे में सोचना, पहले तो अपने श्रवण किए, फिर चिंतन मनन किए, फिर उसके बाद आपके अंदर यह विचार आना चाहिए कि उन सारी चीजों को हमारे जिंदगी में कैसे अप्लाई करें, हमारे जिंदगी में कैसे लागू करें, जीवन में कैसे उतारें उन सारी चीज। अगर हमने उन सारी चीज श्रवण किए हैं, भगवान जो बता रहे हैं उनके बारे में सुन के, उनके द्वारा बताया गया जो आदेश है, निर्देश है, उन सारी चीज अगर हम श्रवण करने के बाद हम सबके जिंदगी में नहीं उतारते हैं, नहीं लागू करते हैं, नहीं अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो सुनने का तो फल मिलेगा, थोड़ा बहुत सुकृति पुण्य अर्जित हो जाएगा, लेकिन पूरा फल नहीं मिलेगा, पूरा फल नहीं मिलेगा सुनने का, श्रवण करने का पूरा फल नहीं मिलेगा। पूरा फल तब मिलता है जब आप श्रवण करने के बाद उन सारे भगवान के द्वारा बताए गए जो आदेश निर्देश अपने जिंदगी में अप्लाई करते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, तब जाके वो श्रवण करने का सुनने का पूरा फल मिलता है आपको। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए, श्रवण अच्छे से करने के लिए, जिंदगी में अप्लाई करने के लिए हमें गुरु साधु शास्त्र वैष्णवों से संबंध अच्छा करना पड़ेगा, उनके साथ सही तरीके से संबंध जोड़ना पड़ेगा। अगर उनसे अच्छा संबंध नहीं जोड़ पाए, नहीं रिलेशनशिप बना पाए, तो हमारा रिलेशनशिप संबंध किन से जुड़ेगा? इंटरनेट, मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सारी चीजों से हमारी रिलेशनशिप संबंध जुड़ेगा। कहीं ना कहीं तो हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, सुख आनंद की चाहिए, तो कहां मिलेगा वो सारी? मोबाइल, लैपटॉप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सारी चीजों में मिलेगी, सोशल मीडियाओं में। हमें उन सारी चीजों में तो सुख नहीं मिल रहा है, नहीं ढूंढ रहे उन सारी चीजों में हम, गुरु साधु शास्त्रों में, वैष्णवों में, भक्तों के अंदर में हमें सुख आनंद प्राप्ति नहीं हो रहा है भक्ति में, तो उन सारी चीजों में हम भक्ति बना आनंद सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं।